जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटो सक्सेस में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी विधि उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं अपने शत्रुओं से, और आपके जो शत्रु हैं वो आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इतना ज़्यादा स्टॉप कर रहे हैं किसी भी काम को करने में। तो उन सबको कैसे नष्ट किया जाए और उन सबसे कैसे छुटकारा पाया जाए, तो आज इस तरह का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। गुरुवार के दिन करेंगे तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन यदि आप किसी भी दिन करेंगे तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपकी ज़्यादा इमरजेंसी है, ज़्यादा आपके दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं, तो इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि गुरु जी, हमारी लाइफ में आए दिनों ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी का सत्यानाश कर दिया है, हमारे खिलाफ इतनी चुगलियां करते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान उन्होंने कर दिया है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना कि भगवान ने भी जब जन्म लिया था तो उनके विरोधी थे, तो आप और हम तो बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं। आप जितने मजबूत होंगे, जितने पावरफुल होंगे, आपके विरोधी शत्रु भी उतने ही ज़्यादा होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, ईर्ष्या जो होती है वो लोगों को खा जाती है, तो शत्रु भी होंगे, ऐसा नहीं है कि शत्रु नहीं होंगे। इसलिए आप कभी भयभीत ना हो, निराश ना हो, परेशान ना हो। कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कोई आपके खिलाफ आपको परेशान कर रहा है, तो वह आपको कुछ समय के लिए रोक देगा, कुछ समय के लिए स्टॉप कर देगा। लेकिन दोस्तों, आपकी किस्मत में जो लिखा है, जितना अच्छा लिखा है, जितनी देर तक वह आपको स्टॉप करके रखेगा, उतनी देर वह शक्ति ज़्यादा एकत्रित होती रहेगी। जैसे ही दरवाजे खोलेंगे, वह शक्ति ज़्यादा पावरफुल होकर आपको मिल जाएगी, और दुश्मन को पछाड़ करके इसे पटक करके दुश्मन को तो रोना है और रो कर ही रहेगा। दोस्तों, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है और आप अपने आप से प्रोमिस कर दें कि आप भी कोई भी पॉजिटिव कर्म करेंगे, इसलिए इसको कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे तो ऐसा बनना है, तब आपकी क्रिया हजारों गुना ज़्यादा होकर के आपकी शक्ति आपके लिए ही काम करेगी, आपको पॉजिटिविटी देगी, यानी कि आपको सकारात्मकता देगी, और उस क्रिया में भी शक्ति आ जाएगी। जो क्रिया, जो कर्म आप पूजा कर रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव रहकर करें, पॉजिटिव बनकर ये कर्म करें और पॉजिटिव ही सोचें। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि आपके दुश्मन हो गए हैं, अब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये नहीं सोचना आपको। ये नेगेटिव थॉट होता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हम जो सोचते हैं वही हमें मिलता है। हम सोचते हैं कि हम एक कंपनी के मालिक बन जाएं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप एक दिन इस कंपनी के मालिक बनोगे। आप सोचते हैं कि हम बिल्कुल हमारी ज़िंदगी में हम उतार चढ़ाव नहीं देखें, तो दोस्तों, उतार चढ़ाव तो हर ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा सोचेंगे पॉजिटिव, तो हमेशा आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा तो ज़रूर लिख दें, और साथ ही में वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हम पर बहुत फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, आप जब एक लाइक करते हैं तो बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आप पर भी बहुत प्राप्त होती है। यदि आप बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह उपाय आपको किसी भी दिन कर सकते हैं, तो गुरुवार के दिन करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं कर सकते गुरुवार के दिन, तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, जो गुरुवार का व्रत करते हैं, यानी गुरु भगवान का व्रत करते हैं, उस व्यक्ति को आपने देखा होगा, वे व्यक्ति सदैव सदाचारी होता है। और जो व्यक्ति उद्दंडी होते हैं उनको गुरुवार का व्रत करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गुरुवार यानी गुरु उसी का कमजोर होता है जो दंडी होता है। तो उसका गुरु यदि मजबूत हो जाएगा तो वो दंडी नहीं रहेगा और बुरी व्यस्त होगा, आदि नहीं होगा, यानी उसको शराब की लत वगैरह नहीं लगेगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो मंगलवार होता है, मंगलवार के दिन जिनका मंगल उच्च का होता है, वो बहुत ही शौर्यवान, बहुत ही ऊर्जावान, और बहुत ही उनमें शौर्य बहुत ज़बरदस्त होता है। जैसे आपने पुलिस में देखा होगा, आर्मी के लोग देखे होंगे, इनका मंगल बहुत ही मजबूत होता है और इनके जो मंगल ग्रह होते हैं वो बहुत उच्च होते हैं। इस कारण से जिनका मंगल बहुत कमज़ोर होता है वो मंगलवार को उपवास करते हैं, तो वो बहुत डरपोक होते हैं, और मंगलवार के उपवास करने के कारण वो क्या होते हैं, बहुत ताकतवर हो जाते हैं। इसी तरह से जो गुरुवार होता है तो
कई बार मूर्ख लोग होते हैं, यानी कि जिनको ज्ञान की समझ नहीं होती, जिनको ज़िंदगी जीने का तरीका नहीं होता, वो गुरुवार का उपवास उनको बताया जाता है। पंडित लोग उनको गुरुवार का उपवास बताते हैं ताकि उनको अच्छी बुद्धि प्राप्त हो और अच्छा चरित्र उनका हो। दोस्तों, यदि अच्छा चरित्र होगा तभी उनके जीवन में सुख समृद्धि और लक्ष्मी जी की उन्नति वहाँ पर होगी, लक्ष्मी जी की आवक वहाँ पर होगी। तो आपको करना क्या है, गुरुवार के दिन अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए और धन आने के लिए, ये दोनों उपाय एक साथ बताने जा रहा हूँ, इसमें शत्रुओं का नाश भी हो जाएगा और धन भी आपके घर में आएगा। आपको क्या लेना है दोस्तों, आपको लेना हल्दी। अब ये थोड़ी सी हल्दी ले सकते हैं, घर में मिलती है, घर में पड़ी भी रहती है हल्दी, मसालदानी में आप देखना, पीली कलर की पीसी हुई हल्दी रहती है, पीसी हुई हल्दी आपको लेनी है जो लक्ष्मी जी को प्रदान करती है। अर्थात भगवान जो हल्दी होती है, भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है, साथ में लक्ष्मी जी को भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। दूसरा लेना आपको चावल, चावल जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, भगवान शिव को हमेशा चावल चढ़ाए जाते हैं, सफ़ेद रंग के जो चावल होते हैं वो चंद्र से जुड़े हुए, तो जो सफ़ेद कलर के चावल होते हैं वो चंद्र से जुड़े हुए हैं, चंद्र आपके मन से जुड़ा हुआ है। हल्दी जो गुरु से जुड़ी हुई है, आपके ज्ञान से, आपके पूरे व्यक्तित्व से, पांडित्य से जुड़ी हुई होती है। ये दोनों चीज़ें आपको लेनी है। चावल को आपको रात को भिगो लेना है और सुबह अच्छे से उसको पीस लेना है और उसमें हल्दी मिलानी है, और हल्दी के साथ दोस्तों उसमें थोड़ा सा आपको घी मिलाना है। घी माता लक्ष्मी का वास होता है, घी ऐश्वर्य देता है, और घी का मतलब होता है शुक्र, यानी आपने चंद्र मिला लिया, चंद्र का मतलब हल्दी हो गई, चंद्र का मतलब चावल हो गए, गुरु का मतलब हल्दी हो गई, और आपने जो घी मिलाया उसका मतलब शुक्र हो गया। शुक्र आपके जीवन में धन संपदा को बढ़ाता है, ऐश्वर्य को बढ़ाता है। अब देखिएगा दोस्तों, जिसका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत होता है वो कभी भी जिंदगी में भूखा नहीं मरता और ना ही उसके दुश्मन होते हैं। आपके पास कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा यदि आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा तो। अब आपको करना क्या है, इन तीनों को मिलाना। अब जहाँ पर चंद्र और गुरु एक साथ मिल जाते हैं वहाँ पर गज केसरी योग बनता है। दिन प्रतिदिन जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग पड़ा हुआ रहता है उसकी दिन प्रतिदिन उन्नति होती रहती है, और अब आप और हमेशा अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए वो इंसान कुछ भी कर जाता है, कुछ भी ऊंचा करता है, कुछ भी बड़ा करता है। तो दोस्तों, ये गज केसरी योग, और उसमें यदि आप शुक्र मिला देते हैं तो समझिए घर की उन्नति, घर का ऐश्वर्य बढ़ता ही चला जाता है दोस्तों। अब आपको ये सब पेस्ट बना लिया, मिला लिया, मिलाने के बाद आपको क्या करना है, आपको उनको मिक्स कर लेना है, क्रश कर लेना है। उसके बाद आपको अपने दरवाजे की चौखट पर जाना है, अपने दरवाजे की चौखट के ऊपर आपको उस पेस्ट से लिखना है ओम। दोस्तों, ओम जो शब्द होता है वो अपने दुश्मनों का विनाश करता है। जहाँ ओमकार होता है दोस्तों, वहाँ कोई भी नेगेटिविटी एंटर नहीं होती। तो आपके चौखट पर आपको ओम लिखना है, एक ओमकार बनाना है हल्दी चावल और घी से, और उसके दोनों तरफ आपको, यानी आपने जो ओमकार बनाया उसके दोनों तरफ आपको दो दो स्वास्तिक बनाने हैं, और एक स्वास्तिक ओमकार के ऊपर बनाना है, फिर दोनों एक एक स्वास्तिक बनाए और एक स्वास्तिक उसके ऊपर बनाना है। मतलब कि एक स्वास्तिक ओमकार के इधर की तरफ बाएं और ओमकार के दाएं की तरफ एक ओमकार, एक स्वास्तिक आपको ओमकार के ऊपर बनाना है। अब आपको वहां पर अगरबत्ती लगा देनी है, दरवाजे की चौखट के दोनों तरफ आपको दिया आपको लगा देना है, घी का दिया लगाएं, दरवाजे पर ही रख दें। और आप इसको गुरुवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को कर सकते हैं, किसी भी वार को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको पूजा करनी है ओमकार की, तो आपको ओमकार की पूजा करनी है। स्वास्तिक के ऊपर भी आप गेंदे का फूल रख सकते हैं, गेंदे के फूल से आप पूजा कर सकते हैं, गेंदे का फूल पीले रंग का होता है, तो पीले रंग के फूल से आपको पूजा करनी है। जरूरी नहीं गेंदा हो, अजारा भी हो सकता है, तो वो कोई भी फूल हो सकता है, लेकिन पीले रंग का फूल होना चाहिए। तो स्वास्तिक के ऊपर आप पीले रंग का कोई भी फूल रख दें और उन्हें चढ़ा दें। अब आप दीपक लगाएं, दीपक रखें, और अपनी चौखट पर वहीं जो पुष्प जरूर रखें दोस्तों। दोस्तों, आपने जो रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। आपके जो शत्रु हैं, बहुत सारे शत्रु जो आपको जीने नहीं देते, जो आपको दिक्कत करते हैं, पड़ोसी हो गए, वो सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे। पहली बात तो ये ओंकार ये कार्य करेगा, ओंकार जो आपने लिखा है वो ये कार्य करेगा। दूसरा, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा था तो धन आना शुरू हो जाएगा, आपके दुश्मनों का नाश हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुश्मनों का नाश हो जाएगा दोस्तों। दुश्मनों का नाश ऐसे होगा क्योंकि भगवान शिव की शक्ति इसमें है, और धन और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली महालक्ष्मी की शक्ति और श्री हरि विष्णु की शक्ति भी इसमें है।
तो दोस्तों यदि यह कार्य आप करेंगे, या तो चाहें तो आप हर गुरुवार को भी कर सकते हैं इस कार्य को, है ना। 5 गुरुवार आप इस कार्य को करके देखिए, आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी कोई सभी गुप्त शत्रु हो, चाहे कोई सभी शत्रु हो, वो शत्रु तो खत्म होगा ही हुआ, साथ में आपके पास जो धन नहीं आ रहा था, जो धन नहीं जुड़ रहा था, वो भी आपका जुड़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये विधि बहुत पावरफुल है, ये क्रिया बहुत पावरफुल है, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।